सर्वेभ्यो नमो नमः। पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल पुनः आपका स्वागत करता है। मैं हूं नवीन प्रकाश पैन्युली और आपके लिए लेकर आ रहा हूं आज उपपद विभक्तियों की वीडियो। तो साथियों, आप आगे बढ़ने से पहले आपके स्क्रीन पर जो लाल रंग में सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है उसको दबाना न भूलें, और साथ में जो बेल आइकन आपको दिखाई दे रहा है उसको भी दबाना न भूलें, ताकि हम जो भी वीडियो अपने इस चैनल पर डालें सर्वप्रथम उसका नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो चलते हैं आज की वीडियो के साथ उपपद विभक्तियां। कारक नियमों के साथ उपपद विभक्तियों का ज्ञान आवश्यक है, वरना वाक्य बनाते वक्त बहुत सारी अशुद्धियां हो जाती हैं। कारक और उपपद विभक्ति में अंतर क्या है? कारक विभक्ति, कारकों के लक्षण के आधार पर कारक की परिभाषा के आधार पर जहां विभक्तियां आती हैं उसे कारक विभक्ति कहते हैं। जैसे कर्म कारक की परिभाषा है, कर्ता कर्म के द्वारा जिसे सबसे अधिक चाहता हो या पसंद करता हो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे यज्ञदत्तः वेदं पठति, यहां पर यज्ञदत्त वेद को पढ़ना पसंद करता है, इसलिए वेदम में द्वितीय विभक्ति कारकों के कारण हुई, और यज्ञदत्तः कर्ता कारक है इसलिए यज्ञदत्त में प्रथमा विभक्ति हुई। इसलिए ये दोनों विभक्तियां कारक विभक्तियां कहलाएंगी, न कि उपपद विभक्तियां। उपपद विभक्ति किसे कहते हैं? जिन वाक्यों में किसी विशेष पद या शब्द के कारण जो विभक्ति आती है वह उपपद विभक्ति होती है, उसमें कारक की परिभाषा नहीं घटती है, वहां कारक से कोई अभिप्राय नहीं होता, कहना चाहिए कि यह कारक का अपवाद होता है। जैसे नगरम उभयतः वनम अस्ति, इस वाक्य में नगरम में जो द्वितीय विभक्ति हुई है वह कारक के कारण से नहीं हुई, अर्थात यहाँ पर कर्म कारक की परिभाषा घटित नहीं होती है और ना ही कर्मणि द्वितीय से यहाँ द्वितीय विभक्ति हुई है, अपितु उभयतः इस विशेष पद के कारण नगरम में द्वितीय विभक्ति हुई है, अतः इसे उपपद विभक्ति कहते हैं। उपपद शब्द का अर्थ होता है जो पद के समीप हो, उभयतः पद के समीप नगर शब्द है, अतः उसमें द्वितीय विभक्ति हुई है। आगे आने वाले अन्य उदाहरणों में भी आपको ये ध्यान रखना है कि जिस शब्द से जो विभक्ति हो रही है उसके नजदीकी शब्द कौन सा है, उसी में वह विभक्ति लगेगी। प्रारंभ करते हैं प्रमुख उपपद विभक्तियां। सबसे पहले द्वितीय विभक्ति में अभितः उभयतः, इन दोनों का अर्थ है दोनों ओर। जैसे यज्ञशालाम अभितः या उभयतः वृक्षाः सन्ति, यज्ञशाला के दोनों ओर पेड़ हैं। अब यहां पर अभितः या उभयतः शब्द जो आश्रित है वो है यज्ञशालाम पे, किसके दोनों ओर हैं? यज्ञशाला के दोनों ओर, इसलिए यज्ञशाला में द्वितीय विभक्ति हुई। परितः सर्वतः, दोनों का अर्थ है चारों ओर। विद्यालयम परितः या सर्वतः वनम अस्ति, यहां पर परितः या सर्वतः किस पर आश्रित है? विद्यालय, क्योंकि विद्यालय के चारों ओर हैं, इसलिए विद्यालयम में द्वितीय विभक्ति हुई। प्रति ओर या तरफ, बालकः गुरुकुलम प्रति गच्छति, इस वाक्य में बालक गुरुकुल की ओर जा रहा है, और शब्द किस पर आश्रित है? गुरुकुल पर आश्रित है, इसलिए गुरुकुलम में द्वितीय विभक्ति हुई। समया निकषा, दोनों का अर्थ है निकट। ग्रामम निकषा नदी वहती, गांव के नजदीक नदी बहती है, यहां पर निकषा शब्द गांव पर आधारित है इसलिए ग्रामम में द्वितीय विभक्ति हुई। धिक का अर्थ है धिक्कार, और हा का अर्थ है दुख। रावणम धिक हा दुर्जनम, धिक शब्द रावण पर आश्रित है इसलिए रावणम, और दुर्जनम शब्द पर आश्रित है हा, इसलिए दुर्जनम में हुई द्वितीय विभक्ति। अनु का अर्थ है अनुसरण, अर्थात किसी के पीछे पीछे चलना। विद्वान धर्मम अनुगच्छति, विद्वान धर्म के पीछे चलता है, यहां पर
विद्वान धर्म का अनुसरण कर रहा है, इसलिए धर्म में द्वितीय विभक्ति हुई। रिते अंतरेण बिना, तीनों का अर्थ है बिना। धनम रिते नैव सुखम, अर्थात धन के बिना सुख नहीं। यहाँ पर रिते शब्द धन पर आश्रित है, क्योंकि किसके बिना, धन के बिना, इसलिए धनम में द्वितीय विभक्ति हुई। जलम अंतरेण नैव जीवनम, जल के बिना जीवन नहीं है। यहाँ पर अंतरेण शब्द जल पर आश्रित है, इसलिए जलम में द्वितीय विभक्ति हुई। विद्याम बिना जीवनम असंभवम, विद्या के बिना जीवन असंभव है। यहाँ पर बिना शब्द विद्या पर आश्रित है, क्योंकि किसके बिना, विद्या के बिना, इसलिए विद्याम में द्वितीय विभक्ति हुई। तृतीय विभक्ति की उपपद विभक्तियां सह, साकम, सार्धम या समम, चारों का अर्थ है साथ। जैसे पुत्रः जनकेन सह मंदिरम गच्छति, यहाँ पर सह शब्द जनक के साथ प्रयोग हुआ, क्योंकि किसके साथ जा रहा है, पुत्र पिता के साथ जा रहा है, इसलिए जनकेन में तृतीय विभक्ति हुई। सीता रामेण साकम वनम गच्छति, सीता राम के साथ वन जाती है। यहाँ पर साकम शब्द राम के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए राम में तृतीय विभक्ति हुई। उमेशः रमेशेन सार्धम गृहं गच्छति, उमेश रमेश के साथ घर जाता है। यहाँ पर सार्धम शब्द रमेश के साथ प्रयोग हुआ है, इसलिए रमेशेन में तृतीय विभक्ति हुई। लतया समम गीता गच्छति, लता के साथ गीता जाती है। यहाँ पर लता के साथ जा रही है, इसलिए लतया में तृतीय विभक्ति हुई। अलम का अर्थ है बस, अलम विवादेन, मतलब विवाद से बस करो, इसलिए विवादेन में तृतीय विभक्ति। प्रयोजनम प्रयोजन, मूर्खेण पुत्रेण किम प्रयोजनम, मूर्ख पुत्र का क्या प्रयोजन है, यहाँ पर पुत्रेण में तृतीय विभक्ति हुई। अंग विकार, जिस शरीर के अंग से कोई विकलांग हो उसमें तृतीय विभक्ति होती है। जैसे मोहितः कर्णेन बधिरः अस्ति, मोहित कान से बहरा है। यहाँ पर कान शब्द अंग विकार के रूप में प्रयोग आया है, इसलिए कर्ण में तृतीय विभक्ति होकर के कर्णेन बना। चतुर्थी की उपपद विभक्तियां नमः नमस्कार, नमः शिवाय, शिव में चतुर्थी विभक्ति हुई। स्वस्ति का अर्थ है कल्याण, शिष्याय स्वस्ति, शिष्य का कल्याण हो, शिष्य में चतुर्थी विभक्ति हुई। स्वाहा भी कल्याण अर्थ में हवन इत्यादि में प्रयोग होता है। अग्नये स्वाहा, अग्नि का चतुर्थी विभक्ति में अग्नये। स्वधा कल्याण अर्थ में पितृभ्यः स्वधा, यह तर्पण के अर्थ में प्रयोग होता है, इसलिए पितृभ्य में चतुर्थी विभक्ति हुई। वषट, यह हवन के अर्थ में होता है, जैसे सूर्याय वषट, सूर्याय में चतुर्थी विभक्ति हुई। अलम समर्थ अर्थ में रामः रावणाय अलम, राम रावण के लिए समर्थवान है, इसलिए रावणाय रावण के लिए चतुर्थी विभक्ति हुई। रुच अच्छा लगना, देवाय मोदकम रोचते, देव को लड्डू अच्छा लगता है। यहाँ पर किसको अच्छा लग रहा है, देव को, इसलिए देव में चतुर्थी विभक्ति। क्रुद्ध गुस्सा करना, सज्जनः दुर्जनाय क्रुध्यति, जिसके ऊपर गुस्सा किया जाए। यहाँ पर सज्जन दुष्ट के ऊपर गुस्सा करता है, इसलिए दुर्जनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई। ईर्ष्या ईर्ष्या करना, मूर्खः सज्जनाय ईर्ष्यति, मूर्ख व्यक्ति सज्जन पर ईर्ष्या करता है। यहाँ पर सज्जनाय में चतुर्थी विभक्ति हुई। असूया का अर्थ है निंदा, मूर्खः सज्जनाय असूयति, मूर्ख सज्जन की निंदा करता है। इस वाक्य में किसकी निंदा की जा रही है, सज्जन की, इसलिए सज्जन में चतुर्थी विभक्ति हुई। संपूर्ण वाक्य बना मूर्खः सज्जनाय असूयति। पंचमी की उपपद विभक्तियां रिते, जिसका अर्थ है बिना, रिते ज्ञानान्न मुक्ति ही, ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं हो सकती। यहां पर ज्ञानात्मे पंचमी विभक्ति हुई। पूर्वः पहले, ग्रामात् पूर्वः पर्वतः अस्ति, गांव की पूर्व दिशा में पर्वत है। यहां पर पूर्व दिशावाचक शब्द है और वह गांव को सूचित कर रहा है, इसलिए ग्रामात् में पंचमी विभक्ति हुई। बहिः का अर्थ है बाहर, यज्ञशालायाः बहिः
प्रवचनम भवति, यज्ञशाला के बाहर प्रवचन हो रहा है। यहाँ पर बहिः शब्द यज्ञशाला पर आश्रित है, इसलिए स्त्रीलिंग यज्ञशाला शब्द का पंचमी एक वचन में हुआ यज्ञशालायाः। अन्यः अन्य, सत्य हरिश्चंद्रात अन्यः कोस्ति, यह सर्वथा सत्यम वदति। सत्य हरिश्चंद्र के अतिरिक्त कौन है जो हमेशा सत्य बोलता है। यहाँ पर अन्य शब्द सत्य हरिश्चंद्र पर आश्रित है, इसलिए सत्य हरिश्चंद्र का पंचमी एक वचन में हुआ सत्य हरिश्चंद्रात। आरात, पास, ग्रामात आरात गोशाला वर्तते, गांव के नजदीक गोशाला है। यहाँ पर ग्रामात में पंचमी विभक्ति हुई क्योंकि पास शब्द ग्रामात से संबंधित है। भय, डर, सर्वदमनः सिंगात न विभेति, सर्वदमन शेर से नहीं डरता है। जिससे डर लगे या ना लगे उसमें पंचमी विभक्ति होती है, इसलिए सिंघात में पंचमी विभक्ति हुई। रक्ष, रक्षा करना, कृष्णः पापात पांडवान रक्षति, जिससे रक्षा की जाए उसमें पंचमी विभक्ति होती है। कृष्ण पांडवों की पाप से रक्षा करते हैं, इसलिए पापात में पंचमी विभक्ति हुई। आख्यात, अर्थात जिनसे ज्ञान प्राप्त किया जाए। देवदत्तः गुरोः वेदम अधीते, देवदत्त गुरु से वेद पढ़ता है। यहाँ पर गुरोः शब्द में पंचमी विभक्ति हुई। जुगुप्सा, घृणा करना, जिस चीज से घृणा की जाए। सज्जनः पापात् जुगुप्सते, यहाँ पर पाप से घृणा की जा रही है, इसलिए पाप में पंचमी विभक्ति हुई। प्रभवती, अर्थात उद्भव, गंगा हिमालयात प्रभवती, गंगा का निकलने का स्थान हिमालय है, इसलिए हिमालय में पंचमी विभक्ति हुई। निलीयते, छिपना, जिससे छिपता है, जैसे सैनिकात चोरः निलीयते, सैनिक से चोर छिपता है। यहाँ पर चोर सैनिक को देख करके छिप रहा है, इसलिए सैनिक में पंचमी विभक्ति हुई। प्रतियच्छति, बदले में, जनः तिलेभ्यः माशान् प्रतियच्छति, मनुष्य या कोई जन, कोई व्यक्ति विशेष तिल के बदले में दाल चाहता है। यहाँ पर तिलेभ्यः में पंचमी विभक्ति हुई क्योंकि तिल के बदले में। पृथक, बिना, सीता रामात पृथक न उपवसति, सीता राम के बिना नहीं रहती है। यहाँ पर सीता राम के बिना नहीं रह रही है, इसलिए रामात में पंचमी विभक्ति हुई। बिना, बिना, सीता रामात बिना वनम न गच्छति, सीता राम के बिना वन नहीं जाती है। यहाँ पर पुनः उसी वाक्य की पुनरावृत्ति है, सीता राम के बिना, इसलिए राम में पंचमी विभक्ति हुई। बिना में आपने पहले द्वितीय विभक्ति भी देखी थी। बहुत सारे उपपद विभक्तियां ऐसी होती हैं जो कई विभक्तियों में चलते हैं। षष्ठी विभक्ति की कुछ उपपद विभक्तियां देख लेते हैं। दूरम, दूर, नगरस्य दूरम वनम वर्तते, नगर से दूर वन है। यहाँ पर दूर शब्द का आशय नगर शब्द के साथ है, इसलिए नगर में षष्ठी विभक्ति हुई और शब्द बना नगरस्य। समीपम, निकट, ग्रामस्य समीपम विद्यालयः अस्ति, गांव के नजदीक विद्यालय है। यहाँ पर समीपम का ग्रामस्य के साथ आशय है, इसलिए ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। कृते, के लिए, छात्रः पठनस्य कृते विद्यालयं गच्छति, छात्र पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। कृते शब्द का संबंध पठनस्य के साथ है, इसलिए पठनस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। समक्षम, सामने, मोहनः आचार्यस्य समक्षम अस्ति, मोहन आचार्य के समक्ष है। यहाँ पर समक्ष शब्द का आशय आचार्य शब्द के साथ है, इसलिए आचार्य में षष्ठी विभक्ति हुई। मध्य, बीच में, वनस्य मध्ये सरोवरः अस्ति, वन के बीच में सरोवर है। यहाँ पर मध्य का वन के साथ संबंध है, इसलिए वनस्य षष्ठी विभक्ति में। अंतरे, बीच में, ग्रामस्य अंतरे मंदिरम वर्तते, अंतरे शब्द ग्रामस्य के सन्निकट है, इसलिए ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। अंतः, अंदर, लता अधुना गृहस्य अंतः अस्ति, लता इस समय घर के अंदर है, गृहस्य अंतः के समीप है, इसलिए गृहस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। उपरि, ऊपर, वृक्षस्य उपरि खगाः सन्ति, वृक्ष के ऊपर। यहाँ पर उपरि शब्द के सन्निकट वृक्ष शब्द है, इसलिए वृक्ष में षष्ठी विभक्ति हुई। अधः, नीचे, वृक्षस्य अधः मृगः अस्ति,
वृक्ष के नीचे मृग है। यहाँ अधः का सन्निकट शब्द वृक्ष है, इसलिए वृक्षस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। पुरः सामने, ग्रामस्य पुरः उद्यानम अस्ति। यहाँ पर पुरः शब्द का नजदीकी शब्द ग्रामस्य है, इसलिए ग्रामस्य में षष्ठी विभक्ति हुई। सप्तमी की कुछ उपपद विभक्तियां निर्धारण, निपुण और चतुर आदि अर्थों में। निर्धारणे, जीवेशु मानवाः श्रेष्ठाः, जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ है। यहाँ पर मनुष्य को जीवों से श्रेष्ठ बताया गया है, इसलिए जीव शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। प्रवीणः अर्थात निपुण, छात्रेषु महेशः प्रवीणः, सभी छात्रों में महेश प्रवीण है। यहाँ पर महेश की निपुणता सभी छात्रों में दिखाई गई है, इसलिए छात्र शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। चतुरः, लता पठने चतुरः, लता पढ़ने में चतुर है। यहाँ पर पठने शब्द में सप्तमी विभक्ति हुई। इस प्रकार उपपद विभक्ति का पाठ यहाँ पर समाप्त होता है। आप सभी साथियों को इस चैनल द्वारा दी जाने वाली जानकारी कैसी लग रही है, आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें अवश्य बताएं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है उसको दबाना न भूलें ताकि आपको सर्वप्रथम सूचना प्राप्त हो। धन्यवाद। पठत संस्कृतम यूट्यूब चैनल आपसे यहीं पर विराम लेता है। मिलेंगे बहुत जल्द एक और संस्कृत की पाठ की वीडियो के साथ। धन्यवाद।